काम जो 10 घंटे में होना है वो काम हम जाके 15 घंटे में करते हैं, क्योंकि अवाम जो है वो रुकती नहीं है। अवाम की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है और अपने काम का भी ख्याल रखना। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर भट्ट और आप देख रहे हैं सोशल डेली वाइज। आज मैं मौजूद हूं शहापुरा चौक के अंदर। अवाम बहुत ही मुश्किल का शिकार है, रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। हमारे साथ पीएम साहब मौजूद हैं, आइन से बात करते हैं, जो इसके ठेकेदार हैं, जो न्यू ठेकेदार हैं, आइन से बात करते हैं, देखते हैं कि इनको कौन सा टारगेट मिला है और कब तक इस पुल को जनाब कम्प्लीट करेंगे। ये हमारा टेंडर हुआ था 2017 में, 2017 के बाद डिफरेंट डेटों में हमने सिर्फ इस पर 3 मंथ का काम किया है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद रहा। ज़ाहिर है आवाम को भी तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है, हमें तो फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है। उसके बाद ये अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें अभी फंडिंग मैक्सिमम पूरी आ चुकी है, जिसमें हमारे जो बैरोक्रेट्स हैं प्लस हमारी जो मिनिस्टर वगैरह हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व हैं। तो अभी हमने काम स्टार्ट किया है। हमारा इस एरिया में जो हमारी ये साइड बन रही है, ये सबलाइम की तरफ से हमें 2 मंथ का टारगेट मिला है, तो हम मैक्सिमम 2 मंथ में या 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं ये चौक तक हम क्लियर कर दें। इसमें हमें भी बेताजा तकलीफें और आवाम को भी तकलीफ है, हमारी कोशिश है कि जल्द अज इसको कम्प्लीट कर दिए। सर इस टाइम आपके नीचे टोटल कितने टीम मेंबर्स जो है आपका साथ दे रहे हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं? हमारी डे नाइट वर्किंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें हमारे 50 के लगभग दिन को लड़के काम करते हैं और 25-30 के लगभग रात को काम करते हैं। 24 आवर हमारी वर्किंग है। सर ये जो 2 मंथ्स आपने बताए हैं, इस 2 मंथ्स के अंदर ये प्रॉपरली रोड पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा? ये फ्लाई ओवर नहीं ओपन होगा, ये नीचे से जितना रोड है ये ओपन हो जाएगा। ये फ्लाई ओवर का टारगेट कब तक कम्प्लीट? ये हमारा मार्च के एंड तक इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट मार्च के एंड तक ये ट्रैफिक इसके ऊपर से चल। सर इनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवाम जब गुजरती है, ठीक है, तो ये अपने काम को जारी रखे हुए हैं, तो इनसे उस बारे में पूछते हैं कि ये किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से इनको मसला आ रहा है। सर ये जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन आवाम फिर भी नीचे से गुजर रही है, आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर देखें, इसमें हमें बेतहाशा तकलीफें हैं, इसमें यही हो सकता है, आपको मिसाल देता हूँ कि एक काम जो 10 घंटे में होना है वो काम हमें जाके 15 घंटे में करते हैं, क्योंकि आवाम जो है वो रुकती नहीं है। आवाम की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है और अपने काम का भी ख्याल रखना है। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आवाम को तकलीफ ना आए।